तो अब सरकार का क्या करें हम, सुनाई तो नहीं कर रही सरकार हमारी। जैसा कि आप सब जान रहे हैं, 5 अप्रैल को देश की राजधानी में किसान मजदूर और खेत मजदूर यानी कि जो मेहनत का आवाम है वो बड़ी संख्या में जुटने की तैयारी कर रहे हैं। उसमें देश भर के अलग अलग हिस्सों से खेतिहर मजदूर, किसान, फैक्ट्री मजदूर पहुंच रहे हैं, शिक्षक और जो भी मेहनत का आवाम है, जो कमा के खाने वाली कौम है, वो इकट्ठा हो रही है और इनका बड़ा ऐलान वहाँ सबसे लाखों की संख्या में जुटने वाले हैं। और इसी की कड़ी में देश भर के अलग अलग हिस्सों में इनकी तैयारियां चल रही हैं, किस तरह से इनका कैंपेन और अभियान चल रहा है और इसमें जनता का कैसा सहयोग मिल रहा है, ये जानने के लिए हम राजधानी से सटे हरियाणा राज्य में आए हैं, जहां किसान सभा और मजदूर संगठन CITU और ऑल इंडिया खेत मजदूर यूनियन जो है वो संयुक्त रूप से अभियान चला रही है और जत्थे चल रहे हैं अलग अलग जिलों में। ऐसे ही इन्हीं जत्थों को देखने और इनको जनता का कैसा सहयोग मिल रहा है और जनता इन जत्थों से क्या सीख रही है और 5 अप्रैल की कैसी तैयारी है, इसको जानने के लिए हम यहाँ आए हैं। दरअसल 5 अप्रैल को जो मजदूर किसान संघर्ष रैली है, उस रैली की तैयारियों के लिए CITU हरियाणा, किसान सभा और खेत मजदूर यूनियन, इन तीनों संगठनों ने जनता के बीच में जाने का फैसला किया और उसी फैसले के अनुसार 6 जत्थे हमने तय किए, जो 6 जत्थे मोटे तौर पर 15 मार्च से शुरू हुए। अलग अलग जिलों में जो जत्थे निकाले जा रहे हैं, जिसके तहत किसान मजदूर संघर्ष रैली जो है उसमें किसान और मजदूर मिलकर अपनी एकता स्थापित करें और एकता स्थापित करते हुए केंद्र सरकार की जो जन विरोधी नीतियाँ और विशेष तौर पे खेती बाड़ी को उजाड़ने वाली जो नीतियाँ हैं उनके खिलाफ लामबंदी की अपील जो है हम लोग कर रहे हैं। जो सरकार जिस तरह की नीतियाँ लेकर आ रही है उनके सबसे बुरे प्रभाव महिलाओं पर पड़ते हैं। आने वाले समय में आज के दिन ना तो हमारी बेटियाँ सुरक्षित है ना हमारे नौजवान रोजगार मिल रहा है। वीर जो सरकार ना यो मतलब बालकों के साथ विश्वासघात किया। संघर्ष रैली का जो सवाल है वो ये है कि आज खेती जो घाटे का सौदा बनती जाने लग रही है वो लाभकारी कैसे हो। मनरेगा काम करें मुझसे है, जो सरकार की पॉलिसी है कि पीछे भी बजट में 33,000 करोड़ रुपए कम कर दिए थे उसमें और बजट हर बार घटाते ही हैं। लाल बहादुर शास्त्री ने कही थी, जब तक जवान और किसान बाल रहेगा ना उस देश आजाद रहेगा। किसान भी हरा दिया और जवान भी हरा दिया। किसान को उसकी उपज का ठीक दाम मिलना चाहिए, लागत का 1.5 गुना दाम मिलना चाहिए, जो कि सरकार जो अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटते हुए फसल खरीद की गारंटी नहीं दे रही। किसानों को मजदूरी नहीं, किसानी का पूरा दाम नहीं मिल रहा, MSP की गारंटी लागू हो और जो मजदूर है उनका जो श्रम कानून थे वो पूरे होने चाहिए उनके। इसलिए हम यहाँ गांव-गांव में जाकर जत्थे निकालते हैं, महिलाओं का इकट्ठा कर रहे हैं। ये जो 5 अप्रैल को दिल्ली में मजदूरों किसानों की जो संघर्ष रैली होने जा रही है उसको लेके पूरे हरियाणा में 6 जत्थे चले हुए हैं और CITU के नेतृत्व में लाखों की संख्या में उसमें हिस्सेदारी होने जा रही है। हमारा एक प्रमुख मुद्दा है बिजली अधिनियम को वापस करवाने का सवाल, जिसके माध्यम से सरकार बिजली का निजीकरण कर रही है। देश के स्तर पर मोदी गवर्नमेंट और हरियाणा में ये सरकार जो है बीजेपी की, इसकी जो नीतियां हैं इन नीतियों की बदौलत बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, अमीर और गरीब के बीच में जो खाई बढ़ी है उसकी मार जो है वो किसान और मजदूर झेल रहा है और उसी का नतीजा है कि आज किसानों और मजदूरों के बीच में आप देखेंगे तो उत्साह जो है जत्थों के प्रति दिखाई दे रहा है, सरकार के प्रति गुस्सा दिखाई दे रहा है। आज हरियाणा के तमाम गाँव के अंदर मनरेगा का वर्कर जिसको 100 दिन का काम नहीं मिल रहा वो इस बात के लिए परेशान है। आज ग्रामीण क्षेत्र के अंदर मनरेगा का काम नहीं मिल रहा लोगों को, काम मिल जाता है तो ऑनलाइन हाजिरी लगाने के नाम पर बैठा लिया जाता है लोगों को। जो मजदूरी है ना वो जो जिस तरह मिलनी चाहिए, एक काम खत्म हुआ फिर दूसरा 15 दिन का टाइम होता है बीच में, लेकिन यहाँ पे 3-3, 4-4 महीने हो जाते हैं और काम नहीं मिलता, और काम मिलता है तो 4 दिन का या 5 दिन का काम। काम मिली तो घने दिन हो गए, काम को नहीं मिलता, साल एक हो गया। और जिनको काम मिल रहा है उनको भी
ऑनलाइन हाजिरी के नाम पे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो संयुक्त जत्थे हैं किसान सभा सीटू और खेत मजदूर यूनियन के, ये पूरे हरियाणा के सभी जिलों में निकाले जा रहे हैं और एक एक जत्थे में कम से कम दो दो गाड़ियां हैं। एक हमारा प्रमुख सवाल है, हरियाणा सरकार ने ग्रामीण विकास शुल्क के नाम पे खेती बाड़ी के ऊपर टैक्स लगा दिया 50 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। अब जो किसान सभा और जो अपना जो चल रहे जत्थे, उनको बड़ा बढ़िया रेफरेंस मिल रहा है और लोगों को लोग जागरूक हो रहे हैं, क्योंकि जो लोगों ने बड़े कष्ट सह लिए 9-10 साल के अंदर, अब अपने कष्टों का टाइम आ गया, उनको मिटाने का टाइम आ गया है। खेत मजदूर सबसे ज़्यादा आज दुखी है, क्योंकि रोजगार का संकट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। मनरेगा से एक उम्मीद पैदा हुई थी, मनरेगा में पूरा काम नहीं मिल रहा है और काम जब कर देते हैं तो उसकी दिहाड़ी भी पूरी समय पे नहीं मिलती है। अब वाली जो सरकार है वो लूट भी करती है और झूठ भी बोलती है और फूट भी डालती है, तो लूट झूठ और फूट इन तीनों इनकी जो पहचान है उनको बेनकाब करना जरूरी है। PPP बढ़ने के बाद गरीब लोगों की पेंशन जो है बुढ़ापा पेंशन, वो बुढ़ापा पेंशन कट रही है और राशन कार्ड BPL दावा कर रही है सरकार कि 12 लाख राशन कार्ड बने हैं हरियाणा के अंदर, लेकिन सच्चाई दूसरी तरफ ये भी है कि 9,80,000 राशन कार्ड हरियाणा के गरीब लोगों के कटे भी हैं। इसके साथ साथ जो BPL का एक सवाल है, यहाँ हरियाणा के अंदर राशन कार्ड सरकार ने बहुत सारे काट दिए हैं, जिसमें गरीब परिवारों के राशन जो है राशन कार्ड बहुत ज़्यादा काटे गए हैं, लाखों की ऐसी संख्या है। ये भी हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारे राशन कार्ड जो है वो दोबारा बनाए जाए। राशन कार्ड था वो भी कट गया, ढूंढ सा वो पढ़ना हो रहे, गरीब की क्या जिंदगी से, कुछ जिंदगी नहीं। तो हरियाणा के अंदर भूमि अधिग्रहण का जन विरोधी कानून बना दिया, अब जबरन जो है किसानों की भूमि अधिग्रहण की जा रही है। इस 5-4 दिन के दौरान ही मतलब फसलें जो है ओलावृष्टि से बेमौसमी बारिश से बर्बाद हुई है, तो मुआवजा नहीं दिया जा रहा लोगों को। हरियाणा का जो मिनिमम वेज है वो तक उनको नहीं मिल रहा। ऐसे ही अगर हम देखेंगे कि हरियाणा के अंदर लाखों स्कीम वर्कर हैं जिनको अपने मिनिमम वेज के सवाल को लेके इस समय पे लड़ रही है। मजदूर मानस हमें नरेगा का काम नहीं मिल रहा, ठीक ना हमारा मकान। खेती बाड़ी के अंदर जो किसानों की और समस्याएं हैं, चाहे वो फसल खराबे का मुआवजा है, फसल बीमा योजना की लूट का सवाल है, पशुधन का सवाल है, आवारा पशुओं की समस्या का सवाल है, तो इन तमाम सवालों को आपस में जोड़ते हुए 5 तारीख को जो है बड़ी संख्या में दिल्ली के अंदर हरियाणा भर से किसान पहुँचेंगे। ऐसे ही हरियाणा का जो निर्माण का मजदूर है, जिसका आज जो उनका कल्याण बोर्ड जो बना हुआ है उसमें उनको कोई सुविधाएँ नहीं मिल रही हैं, सरकार से हम लोग करना चाहते हैं आकर हमारी गरीबी हटाओ, हमारे मकान बनवाओ, हमारे राशन कार्ड बनवाओ, हमें भाई नरेगा में काम दो। मेरा जो घराला है ओम बिर नाम है उसका, वो सफाई कर्मचारी आला में लग रहा था भिवानी, वो भी हटा दिया 6-7 महीने हो गए। पता नहीं ठेका था और हाँ ठेका कर्मचारी था और वो भी हटा दिया, कोई सुनाई नहीं और केस कर क्या है। हमारी ये मांग है कि कई काम मिले, हमें काम मिलते रहे लगातार काम मिले, साल में 2 दिन काम हो और 6 रुपये दिहाड़ी हो, हम इस बात को लेके 5 अप्रैल को दिल्ली कुछ करें। इस बात को लेके मजदूरों में काफ़ी रोष है जो साफ तौर पे जत्थे की मीटिंगों में दिखता है, और आने वाली 5 तारीख को गांव-गांव में लोग अपने से मीटिंग करते हुए घर घर जाके चंदा इकट्ठा कर रहे हैं और 5 तारीख को अपने अपने घरों से पैसा इकट्ठा करके साधन इकट्ठे करके 5 तारीख को दिल्ली में बहुत बड़ी मोबिलाइजेशन हरियाणा में CITU के नेतृत्व में मजदूरों की भी किसानों के साथ होगी। लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस भी कर रहे हैं, ठगा हुआ इस सेंस में महसूस कर रहे हैं कि जो किसान आंदोलन के दौरान, किसान आंदोलन के समापन पे जो सरकार ने वायदे किए थे उन वायदों को लागू नहीं किया और विश्वासघात किया। नीतियों को बदलवाने के लिए ये अभियान है और नीति बदलवा के ही दम लेंगे, ये मुख्य आज नारा है देश के स्तर पर मजदूरों किसानों। हम गाँव में जाके अपना प्रचार करते हैं, उसके लिए गांव से ही चंदा किया जाएगा, लोगों से चंदा किया जाएगा, आपस में आर्थिक सहयोग इकट्ठा करके हर एक गांव से जो है अपना अपना व्हीकल लेके लोग वहां पे अपने डंडे झंडे लेके अपना गांव का बैनर के साथ जो है
दिल्ली के अंदर पहुंचेंगे। काफी समर्थन जो है गांव से, देहात से, किसानों की तरफ से हमारे इस आंदोलन को, इस संघर्ष रैली को मिल रहा है। जो 5 अप्रैल को जो वहां पर होगी, ऐतिहासिक रैली होगी, ये ऐसे नहीं होगी कि छोटा मोटा काम होगा। देश की आजादी के बाद शायद ये सबसे बड़ी रैली होगी मजदूरों और किसानों की। आज तक की इतनी बड़ी रैली नहीं हुई जो आने वाली 5 अप्रैल को होने जा रही है। सरकार को एक जमा मुंह की खानी पड़ेगी और किसान और मजदूर की जीत होगी। जनता की और आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं।